तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन जियो टीवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इसे काम में ले सकते हैं और किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं, हो सकता है कि वो वीडियो हटा दिए गए हों, लेकिन इस वीडियो को देख के आप जो है इसमें ये एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है जियो सिनेमा को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिनको आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जियो टीवी की एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है अपने फायर टीवी स्टिक के अंदर। तो वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना होता है। एप्लीकेशन में आपको बता दूँगा कहाँ से आपको मिलेगी, उसको टीवी में सबसे पहले आप सेंड कर दीजिए। तो उसके लिए जो है मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों दो वीडियो हैं जो आपको देखने हैं, एक तो माउस टॉगल एप्लीकेशन फॉर फायर टीवी स्टिक वाला वीडियो जो है ये वाला, ये आपको देखना है। इसके बिना जो है आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी और उसके लिए जो है आपको अदर डिवाइस परचेज करने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए जो है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और माउस टॉगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जो है मस्ट हो जाता है। अब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है किस प्रकार से आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा, किस प्रकार से आप जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दो वीडियो तो आपको देखने हैं। साथ में जो है दोस्तों आप ये वाला जो वीडियो जो है थर्ड वाला ये भी देख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों दो वीडियो से काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर। मैं आपको एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग पहले करनी है। इसके अंदर आपको चले जाना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑन हो जाएगा, किस प्रकार से ऑन करना है मैंने उस वीडियो में बता रखा है। एडीबी डिबगिंग ऑप्शन को ऑन रखना है और इंस्टॉल अननोन एप्लीकेशंस को भी आपको ऑन रखना है। अब ये डाउनलोडर पे हो सकता है, माउस टॉगल एप्लीकेशन को होता है, आप इन सबको जो है ऑन कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये काम आपको करना ही करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब आपको जो है सिंपली एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। एप्लीकेशन आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको पूरा इंस्टॉल करके नहीं बता सकता, मैंने ज़्यादा इंस्टॉल करके बताया तो ये वीडियो भी जो है रिमूव हो जाएगा। तो एप्लीकेशन आपको वहाँ से ले लेनी है, सेंड फाइल टीवी के थ्रू एक एप्लीकेशन है ये वाली, इसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे बना रखा है, लेटेस्ट रिसेंट में ही बनाया है, तो इस वीडियो को भी देख लेने जाके। अदरवाइज दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो आता होगा कि भाई मोबाइल से टीवी के अंदर फाइल कैसे भेजी जाती है। तो इस फाइल को यूज़ करके आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज़ करके फाइल को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उस हिसाब से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना है, उसके लिए जियो सिम होना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। उस पर OTP आएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप उससे बाहर आ जाइएगा और उसको जो है एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा टीवी को या फायर टीवी स्टिक को। मेरे तो दोस्तों एक बार में ही चल गया था, लेकिन आप रिस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके एकदम अच्छे से वर्क करे। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जियो टीवी वाली एप्लीकेशन है मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, और मैंने जो है इसका सैम्पल वीडियो बना के भेजा था टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ जो है ये 100% वर्क कर रही है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और मैंने जो है एक पोल भी डाला था, उसमें जो है लगभग 33 जनों ने जो है वोट किया था, उसमें से जो है 33% लोगों के तो वर्क कर रहा है, बाकी जो है 66% लोगों के जो है वर्क नहीं कर रहा है। इसके रिगार्डिंग ही दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि दोस्तों इस वीडियो को देख के जो है आपकी हेल्प हो सके। और मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी ये वाली एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, हमारे वो वाली एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, आपने जो एप्लीकेशन प्रोवाइड कराई वो वर्क ही नहीं कर रही। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मेरे जो है वर्क कर रहा है और मैं वही सेम एप्लीकेशन जो है यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बना रखे हैं, बस एक जियो टीवी वाला जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना, वो वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया है, जिस पर 40,000-50,000 व्यू आ गए थे कुछ दिनों में, वो यूट्यूब ने हटा दिया है। और उससे जो है मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी मिली है, तो इसके लिए मैं जो है उस वीडियो को दोबारा से इंस्टॉल भी नहीं कर सकता। तो इसके रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी सारे जो वीडियो होने चाहिए वो लगभग हैं इसको छोड़ करके। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हेल्प मिली होगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।